सभी दर्शकों को मेरा श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। वेदवाणी कल्याणीवाणी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। वेदवाणी कल्याणीवाणी में मैं प्रतिदिन एक नया वेद मंत्र एक नए विषय के साथ लेकर के आपके बीच में चर्चा के लिए उपस्थित होता हूं और प्रयास रहता है कि विषय आपका उपयोगी हो, सामाजिक सर्वहितकारी विषय हो, सभी के हित का विषय हो, सभी की किसी ना किसी एक सामूहिक समस्या का समाधान हो जाए। हम सभी जीवन में अपने विरोधियों पर विजय पाना चाहते हैं, अर्थात हम ये चाहते हैं कि सभी विरोधी पराजय को प्राप्त हो, हम सभी विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लें। ये कैसे संभव है कि हम सभी विरोधियों पर विजय पा जाएं और सभी विरोधी पराजित हो जाएं, अर्थात मैं शत्रु रहित हो जाऊं? ऐसा संभव कैसे होता है? शत्रु रहित हो पाना इतना सरल नहीं है, लेकिन सभी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए एक वेद मंत्र आता है, अथर्व वेद का मंत्र है। मैं पहले मंत्र लूं उससे पूर्व एक बात स्पष्ट कर दूं। मैं यदि चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैं शत्रु रहित हो जाऊं, तो इसके लिए साधना करते समय जब मैं अपने भीतर भी उस सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर को अनुभूत करता हूं और साधना के उपरांत जब मैं साधना से उठता हूं, तो जैसा मैंने भीतर अपने ईश्वर को अपने अत्यंत निकट अपने एक सच्चे मित्र की तरह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ को जो प्रतिपल प्रतिक्षण मुझे मेरे लिए सही मार्ग बतला रहा है अनुभूत किया, मैंने उससे बात की, मैंने उसे अपने प्रश्न बताए, उससे उत्तर पूछे, मेरे मित्र ने मुझे सदैव सही दिशा बतलाई, मैं उसका अनुकरण कर पाऊं, चल पाऊं और साधना से जब मैं उठूं, पहला तो मैं इस योग्य बनूं कि उसकी प्रत्येक बात को सुन पाऊं, दूसरा मैं इतना योग्य बनूं, इतनी शक्ति है परम पिता परमेश्वर आप मुझे दें कि उनकी बात को सुन करके उनकी आज्ञा के अनुरूप मैं कार्य कर पाऊं। दो, तीसरा जब मैं बाह्य दुनिया की तरफ जाऊं तो उस रचनाकार को उसकी प्रत्येक रचना में देखूं। अब सर्वंतर्यामी के साथ साथ वह परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापी भी तो हैं, सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं, कंकर कंकर शंकर है, लेकिन प्रत्येक कंकर शंकर नहीं है ये तय मान लें, लेकिन हर कंकर में शंकर है ऐसा भी तय मान लें, वह तो सर्वव्यापी है। अब मैं जब सर्वव्यापी उस ईश्वर को जान मान लूं तो वही मेरा ओढ़ना, वही मेरा बिछोना और वह सर्वज्ञ भी सर्वशक्तिमान भी मेरे मित्र भी मेरे भीतर भी। अब मैं प्रत्येक रचना में रचनाकार को देख रहा हूं तो मुझे क्या लगेगा? सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाएं। और जब सभी दिशाएं मेरी मित्र हो जाएंगी तो शत्रु कौन रहेगा? शत्रु कहाँ रहेगा? फिर तो मैं शत्रु रहित हो जाऊंगा। और ऐसा करना मेरे लिए कब संभव हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा, ये इस वेद मंत्र के माध्यम से मैं प्रयास करता हूं स्पष्ट करने का। विरोधियों की पराजय, सभी मित्र हो जाएं, मैं शत्रु रहित हो पाऊं, सभी दिशाएं मेरी मित्र हों, सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु। आई अथर्ववेद का पहले ये मंत्र लेता हूं फिर उसका शब्दार्थ। अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रह कृणोतु मह्यम सपत्नमेव, विश्वे देवा मम नाथम भवंतु, सर्वे देवा हवमा यंतु मे इमम। अर्थात
मम उग्र कामहा, मेरा प्रबल संकल्प। इस पूरे कार्य के लिए मुझे जो संकल्प लेना है, जो व्रत लेना है, जो धारणा बनानी है, वह बहुत प्रबल होनी चाहिए। यदि मैं थोड़ा सा भी विचलित हुआ, मैं उस मार्ग से थोड़ा सा भी हटा जो मार्ग ईश्वर ने मुझे दिखाया, या जो मार्ग मेरे भीतर का मार्ग मुझे मेरे ईश्वर की ओर ले जाता है, मैं उससे थोड़ा सा भी हटता हूं, तो एक बात तय जान लो, वह ईश्वर तो मेरे निकट है, लेकिन मैं ईश्वर के निकट नहीं रह पाता हूं। अब उस मार्ग से हटना क्या है ताकि हम प्रबल संकल्प कर पाए और कह पाए मम उग्रह कामहा, मेरा प्रबल संकल्प है। उस मार्ग से हटने का तात्पर्य यह है कि मैंने ईश्वर की आज्ञा को या तो सुना ही नहीं, मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में कोहरा आ गया। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। मैं जा रहा था ऊंचाई की तरफ, बादल आए, बादलों से सूर्य का प्रकाश मुझ तक आना बंद हो गया। सूर्य है, उसका प्रकाश आ रहा है, लेकिन उस कोहरे के कारण, बादलों के कारण वह प्रकाश मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जब मैं चढ़ते चढ़ते पहाड़ की ऊंचाई को, बादलों को पार करते हुए चला गया, या जहाज पर, हवाई जहाज पर जब यात्रा करते हैं, बादलों के बीच से निकल करके जब जहाज ऊपर चला जाता है, तब सूर्य देव स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये कोहरे के बादल क्या हैं जो मेरे प्रबल संकल्प में बाधा बनते हैं, मेरे और मेरे ईश्वर के बीच, मेरे और उस सर्वज्ञ के बीच, उसे ज्ञान दे पाए उसके बीच में ये कोहरा कौन सा है जो आ जाता है। ये कोहरा कोहरा और कोई नहीं, मेरे स्वार्थ का कोहरा है, अहंकार का कोहरा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का कोहरा है। इन्हें मुझे हटा देना है। घर का कूड़ा बीन कर देते लोग जलाए, मन का कूड़ा मगर क्यों लेते लोग छिपाए। अरे यही कूड़ा जो मैंने अपने मन के भीतर जमा कर लिया है, वह मेरे ही भीतर बैठे हुए, मेरे निकट रहने वाले, मेरे सच्चे मित्र, मेरे दिग्दर्शक, मेरे पथ प्रदर्शक से मुझे दूर कर देता है। अब मैं उसकी वाणी को भी नहीं सुन पाता हूं। मुझे यदि प्रबल संकल्प लेना है तो पहले इस कचरे को बाहर कर देना है। क्या कहा क्रांतदर्शी देव दयानंद को? एक मंत्र अत्यंत प्रिय था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। हे देवों के देव, हे आदि देव, हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, फिर जो कल्याणकारक शुभ है वह मुझे प्राप्त कीजिए। पहले क्या कहा कि मेरे दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। ये स्वार्थ है, ये अहंकार है, ये काम क्रोध लोभ मोह है, यही तो मेरे दुर्गुण और दुर्व्यसन हैं जो मेरे प्रबल संकल्प में बाधा बनते हैं। इन्हें जब मैं दूर कर देता हूं तो ईश्वर मेरे निकट है, मैं भी ईश्वर के निकट चला जाता हूं। फिर तो समस्त कल्याणकारक और शुभ जो मेरे लिए आवश्यक है मुझे प्राप्त हो पाता है, और मैं प्रबल संकल्प करने में समर्थ हो जाता हूं। आगे आया वाजी, ज्ञान बल से युक्त है और ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा, उस सर्वज्ञ की प्रत्येक आज्ञा मेरे लिए ज्ञान ही तो है। वही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत्र ही तो है, वही तो हमारे विश्व का सबसे बड़ा गुरु है, वही सत्य ज्ञान का प्रदाता सत्य स्वरूप है, और वेद ज्ञान ही तो सब सत्य विद्याओं का ज्ञान है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
इसीलिए कहा वाजी ज्ञान बल से युक्त है और अध्यक्ष ऊपर से ठीक ठीक देखने वाला है। वह तो मेरे भीतर ही है ना, मेरे मनसा वाचा कर्मणा प्रत्येक कर्म को देखता है। मैंने सोचा है अभी, किसी को मालूम भी नहीं है कि मैंने क्या सोचा है, लेकिन मुझे भी मालूम है और मेरे ईश्वर को भी मालूम है कि मेरे मन में किसी बुरे दृश्य को देख करके क्या बुरा विचार आया है। वह ऊपर से मुझे ठीक ठीक देखता है और देखते हुए मेरे कर्मों के प्रत्येक कर्म का अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय तुला पर तोलते हुए दंड और पुरस्कार दोनों देता है। ये संकल्प महियम मेरे लिए संसार को असपत्नम एव स्वर्था सर्वथा प्रतिद्वंद्वी रहित कृणोतु कर देवे। ये जो संकल्प मैं लूं आपके निकट रहने का, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने का, और आपके और मेरे बीच में ये किसी भी प्रकार की कोई कोहरे की बाधा नहीं आने देने का, कोई अज्ञानता अबोधता अल्पज्ञता को नहीं आने देने का, तो निश्चित रूप से जब सर्वशक्तिमान मेरे साथ हैं तो मैं प्रतिद्वंद्वी रहित तो हो ही जाऊंगा, मैं शत्रु रहित तो हो ही जाऊंगा, और मेरे विरोधियों की पराजय तो इसलिए हो जाएगी क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे साथ हैं। जब ईश्वर मेरे साथ हैं, विश्वे देवः वह सब देव मम नाथम मेरे संबंध में मेरे अनुकूल भवंतु हो जाएं सर्वे देवः, और ये सब देव मैं इमम हवम मेरी उस पुकार पर आयंतु आ जाएं। ऐसा कैसे होगा कि सभी देव मेरे अनुकूल हो जाएंगे जब मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करने लगूंगा। तो एक बात बताएं कि वह परम पिता परमेश्वर जब मैं उनकी प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन कर रहा हूं तो वह मेरे समस्त शुभ मन संकल्पों को पूर्ण क्यों नहीं करेंगे, और जब वह ईश्वर मेरे समस्त शुभ संकल्पों को पूर्ण करेंगे तो एक बात तय जान मान लीजिए कि मैं निश्चित रूप से उस सर्वशक्तिमान के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाऊंगा, तो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाऊंगा, शत्रु रहित हो जाऊंगा और प्रतिद्वंद्वी रहित हो जाऊंगा, और मेरे सभी विरोधियों की पराजय सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि मैं जब ईश्वर के अनुकूल कार्य करता हूं तो वह ईश्वर भी वह समस्त देव भी मेरे अनुकूल हो जाएंगे, और जब ईश्वर और समस्त देव मेरे अनुकूल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से तय जान लो कि मेरे समस्त विरोधियों की पराजय हो जाएगी। और फिर कहा सर्वे देवा और ये सब देव मैं इमम हवम मेरी एक पुकार पर आयंतु आ जाएंगे। कभी भी जब मैं अपने आर्त स्वर में अपने परमात्मा को जिनके प्रति मैं पूर्णतया समर्पित हो चुका हूं पुकारूंगा तो वह मेरी सहायता के लिए निश्चित रूप से उपस्थित हो जाएंगे, और मैं कह पाऊंगा कि अब सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हो गई हैं, क्योंकि मेरे भीतर भी मेरे बाहर भी मेरा ओढ़ना और बिछोना भी मेरे चारों तरफ मुझे आच्छादित किए हुए मेरा मित्र मेरा साथी मेरा परमेश्वर वह सर्वज्ञ मुझे प्रतिपल प्रतिक्षण ज्ञान देता हुआ और वह सर्वशक्तिमान जो मेरे समस्त विरोधियों को पराजित कर देगा वह मेरे साथ है, तो मैं जीवन में भौतिक विरोधियों की कोई चिंता नहीं करूंगा, केवल और केवल मैं चिंतन करूंगा मनन करूंगा और मनन करते हुए ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा तो विरोधियों की पराजय सुनिश्चित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम इति शम। धन्यवाद।